नमस्कार, रश्मि चौधरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जन्माष्टमी स्पेशल खजूर ड्राई फ्रूट्स लड्डू की रेसिपी। यहाँ पर हमने लिया है 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। दो बड़े चम्मच पम्पकिन सीड्स और दो बड़े चम्मच सनफ्लावर सीड्स, दो बड़े चम्मच किशमिश। मिठास के लिए हम यहाँ लेंगे 250 ग्राम खजूर, जो ये बिल्कुल सॉफ्ट है, और बीज निकालकर हमने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन और इसमें हम एक बड़ा चम्मच घी डाल देंगे। घी गर्म हो गया है, सबसे पहले इसमें हम बादाम डालकर एक से दो मिनट तक भूनेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। बादाम हल्का भून गया है, अब इसी में हम डाल देंगे कटे हुए काजू। एक से डेढ़ मिनट इसे भी रोस्ट कर लेंगे। काजू भी हल्का भून गया है, अब इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच गूंद जिसको हमने ड्राई रोस्ट करके मिक्सी में पीस लिया था। इसको भी एक मिनट भून लेंगे। अब इसी के साथ इसमें डाल देंगे पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड्स बहुत हेल्दी होते हैं, इसमें फाइबर, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब कुछ पाया जाता है। अब इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे सनफ्लावर सीड्स। सब चीजों को एक मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम किशमिश भी डाल देंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने अच्छे से भून लिया है और इसे अब हम एक थाली में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम एक चम्मच घी और डालेंगे। और कटे हुए खजूर को हम इसी में डालकर भून लेंगे एक से दो मिनट तक।
खजूर को भी हमने 2 से 3 मिनट तक पका लिया है और ये अच्छे से भुन भी गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसी में हम सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और इसमें 1/4 चम्मच जायफल घिसकर डाल देंगे। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसी थाली में इन्हें हम निकाल लेंगे। थोड़ी देर इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसके हम छोटे छोटे लड्डू तैयार कर लेंगे इस तरह से। और ये सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। ये लड्डू इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने वाला और दिमाग को तेज करने वाला भी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।